वेलकम टू माई चैनल। जो भी लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी न्यू अपलोड्स हों तुरंत आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के ऊपर, जो कि बार बार पेशाब आता है, पेशाब में जलन भी होती है, लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है, उन्हें बार बार टॉयलेट की तरफ भागना पड़ता है और ट्रैवलिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। ऐसे में यू कैन नॉट ट्रैवल। आपको जैसे भी लंबी, ऐसा तो नहीं है कि हर स्टॉप पर आपकी बस या रुकेगी, और बस में ये प्रोविजन होता भी नहीं है। और ट्रेन्स और फ्लाइट्स में तो फिर भी हम बोल सकते हैं, बट बसेस में जो नियर बाय जगह पे आपको जाना है, ऑटो है, वहाँ पर ये फैसिलिटी नहीं होती और आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। जिनको भी ये प्रॉब्लम है, पेशाब कतरे कतरे में आता है और निकलता ही रहता है। यूजली आपकी अंडरगारमेंट्स ख़राब हो जाते हैं और आपको बार बार ऐसा अर्ज लगता है कि बार बार पेशाब आ रही है, और आती भी है, और जब नहीं भी आती तो भी अर्ज लगती है आपको। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ही अच्छा एक नुस्खा है, जो कि इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, ने बताया है। और ये जो नुस्खा है ये किसी ये कह लीजिए कि इंसान की तरफ से नहीं है, ये अल्लाह पाक ने नॉलेज दी है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम को, कि ऐसे नुस्खों से इंसानी बीमारियों का इलाज हो सकता है। तो ये एक बहुत सटीक और बहुत कारगर नुस्खा है, बिकॉज़ ये ह्यूमन डिज़ाइंड नहीं है। तो इसमें आपको क्या करना है, कैसे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो जानते हैं। इसको बोलते हैं नबीज़। ये जो नबीज है इसको नाबिद भी बोलते हैं, और ये ब्लेसिड ड्रिंक है जो कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, ने बताई है कि ये बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित है आपकी स्टमक में जो एसिडिटी होती है उसको क्योर करने के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, एसिडिटी रहती है, प्रॉब्लम रहती है, पेशाब जो है रुक रुक के आता है, कतरे में आता है, जलन होती है, इन सब के लिए ये बहुत कारगर है। ये क्यों ऐसी कारगर है, बिकॉज ये अल्कलाइन इन नेचर है और एक अल्कलाइनिंग टॉनिक बन जाता है ये, और ये एसिडिटी को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, पेशाब में जो जलन है उसको, और आपकी जो मेटाबॉलिक वेस्ट है बॉडी का उसको भी निकालता है और आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाता जाता है, बिकॉज ये हाई सॉल्यूबल फाइबर बन जाता है। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो ये हाई सॉल्यूबल फाइबर बन जाता है जो आपकी मेमोरी को भी स्ट्रांग बनाता है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये कुछ गिने चुने फ़ायदे उन्होंने बताए थे हमें। तो ये कोटेड है इस्लामिक इंफॉर्मेशन में, जो तिब नबवी है वहाँ पर इंफॉर्मेशन ये कोटेड है, और इसे अगर आप पीते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी और धीरे 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 ख़त्म हो जाएगी। आपको खुद पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम कल सॉल्व हो गई है और आपको बेहतरीन इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसमें अब करना क्या है, क्या चीज़ें इसमें चाहिए इस अल्कलाइन टॉनिक को बनाने के लिए। हमें चाहिए डेट्स, जो फ्रेश डेट्स होते हैं मार्केट में आते हैं, फ्रेश वाले अच्छे क्वालिटी की डेट्स हमें वो लेने हैं। हमें छुआरे नहीं लेने, जो ड्राई डेट्स आते हैं जिन्हें कि छुआरा बोलते हैं, हमें वो नहीं चाहिए, हमें फ्रेश ही चाहिए। इस टॉनिक को बनाने के लिए फ्रेश ही डेट्स लगेंगे। मार्केट में आते हैं आप, सुपर मार्केट्स में, वहाँ से आप ले सकते हैं। फिर जो सेकेंड चीज़ हमें चाहिए वो है आलमंड्स, बादाम, ठीक है ना। हमें जो क्वान्टिटी एक दिन के लिए चाहिए वो है 5 डेट्स, 5 बादाम। अब बादाम आप कोई भी ले सकते हैं अच्छी क्वालिटीज़ के, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ बादाम आते हैं। अब हम इसमें चाहिए थर्ड जो है वो वाइट तिल है, सेसमी सीड्स, वाइट कलर की, काली नहीं चाहिए, वाइट कलर की चाहिए, वो लेनी है आपको आधा चम्मच। तो 5 डेट्स, 5 आलमंड्स, बादाम और आधा चम्मच वाइट सेसमी सीड्स। कौन सा आधा चम्मच, जो खाने वाला होता है, यूजली हम खाते हैं ना जिससे खाना, वो वाला आधा चम्मच आपको लेना है। अब इन तीनों चीज़ों को मिलाकर एक पानी के ग्लास में, नॉर्मल वाटर जो होम टेम्परेचर पे होता है वो वाले वाटर में एक ग्लास पानी ले लीजिए, अच्छा ग्लास ले लीजिए, ग्लास का होना चाहिए। अवॉइड करें स्टील वगैरह की चीज़ों को, ग्लास का होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप स्टील का ले सकते हैं, मिट्टी का बहुत अच्छा है, मिट्टी का अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है। मिट्टी के बर्तन में आप इसको डाल दीजिए तीनों चीज़ों को, और उसके बाद में इसको ढककर रख दीजिए, ठीक है ना।
आप कोई भी एल्युमिनियम का या कोई भी और कॉपर का ये सब बर्तन मत लीजिए इस रेमेडी के लिए, वो एसिडिक हो जाएगी और वो हार्म कर देगी आपकी बॉडी को, आप समझ रहे हैं। या तो स्टील का, या मिट्टी का, या ग्लास का। सबसे बेस्ट है मिट्टी का, फिर सेकंड नंबर पे है ग्लास का, फिर थर्ड है स्टील का, इन केस नहीं होता तो। जो जैसे बर्तन में रखेंगे उतना ही आपको फायदा होगा, ये बात याद रखें, ठीक है। तो अब उसके बाद जब मॉर्निंग में आपने पूरी रात इसे रख दिया है, 5-6 बजे के करीब जब आप उठते हैं, इसको एक दिन से ज्यादा नहीं रखना। कभी आप ये सोचे कि आज टाइम नहीं मिला तो फ्रिज में रख दिया इसको, ये अल्कोहलिक फॉर्म ले लेता है अपना, ठीक है ना। उसके बाद इसका जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो जाता है और ये वो रेमेडी नहीं रहती है, ये अल्कोहल फॉर्म ले लेती है। तो ये वो काम नहीं करेगी जो आपके फ्रीक्वेंट यूरिनेशन पे काम करना चाहिए, और ये अल्कोहलिक फॉर्म में चली जाती है, जो कि सही नहीं है आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी। तो एक ही दिन इसे रखना है, रात को रखा, मॉर्निंग में आप इसको ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर ग्राइंडर की हेल्प से। मिक्सर ग्राइंडर की हेल्प से आप ग्राइंड करके इसे मॉर्निंग में आप लेंगे, ठीक है ना। चाय वाय पीने से पहले, सबसे पहले मॉर्निंग में जिस पानी में उसे भिगाया है उसी पानी में उसको ग्राइंड कर लेंगे और उस पानी को आप पी लेंगे, और आधे 1 घंटे तक आप कुछ भी नहीं खाएंगे। डेली आपको करना है, जैसे ही आपको फर्क पता चल जाता है आप आराम से इसे 1 महीना कर सकते हैं, 2 महीना कर सकते हैं, और जब आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है ये चीज़, तब आप इसे 3 डेज में, 4 डेज में एक बार कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा, मेमोरी भी स्ट्रांग करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा रखता है, और आपको कभी कॉन्स्टिपेशन भी प्रॉब्लम नहीं आएगी पेट से रिलेटेड। अब इसे किन लोगों को नहीं लेना है, उन लोगों को जिनको किडनी की प्रॉब्लम है और जिनको डायबिटीज़ है उनको नहीं लेना है, जिनको पोटेशियम हाई रहता है, पोटेशियम लेवल हाई रहता है उनको ये बहुत कम मिकदार में लेना है। जैसे नॉर्मल इंसान 5 लेगा, 5 आलमंड्स लेगा, 5 बादाम लेगा और 5 खजूर लेगा और आधा चम्मच सेसमी सीड्स लेगा, तो जो जिनको डायबिटीज़, पोटेशियम हाई और किडनी की प्रॉब्लम है वो इसे सिर्फ 1 खजूर लेंगे, क्योंकि इसमें शुगर है। 1 खजूर लेंगे, 1 या 2 बादाम ले लेंगे, और जो सेसमी सीड्स है उसको भी 1/4 कर देंगे, ठीक है ना। बहुत कम मिकदार में लेना है, और वो लोग इसे रोज ना लें, हर ऑल्टरनेट डेज ले लें, कम कम लेना है, बिकॉज इसमें खजूर भी आ रहा है और इसमें खजूर ही मेन इम्पॉर्टेंट है। तो आप खजूर हटा के इसका रेमेडी नहीं बना सकते इसको, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये रेमेडी करते रहिए, आपकी प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी और आपको कुछ भी मेडिसिन्स लेने की ज़रूरत नहीं है। एलोपैथिक में जितना आप मेडिसिन में घुसेंगे आपकी बॉडी उस बीमारी को दबाती चली जाएगी, और बाद में आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा वीक हो जाएगी कि वो अपने आप ही काम करना छोड़ देगी। तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखें, अपने आप को बचा के रखें फालतू की मेडिसिन से, और नेचुरल चीज़ों पे आ जाइए ताकि आप ज़्यादा टाइम तक अपनी बॉडी से काम ले सकें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में, और भी बहुत सारी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मैं आपके पास लेकर आती रहूँगी। स्टे ट्यून्ड फॉर माय न्यू वीडियोज़, टेक केयर एंड बाय बाय ब्यूटीफुल पीपल।